न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर स्वागत है। जिले के वीकेंड समाज सेवी राजन पांडे ने लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया गया नामांकन बहुत ही साधारण और सरल तरीके से। आइए जानते पूरा क्या है मामला। जिले के विख्यात समाज सेवी राजन पांडे ने लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। बहुत ही साधारण और सरल तरीके से किए गए नामांकन को लेकर क्षेत्र में बना चर्चा विषय समाज सेवा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं और अपने कामों से गरीबों जरूरतमंदों की मदद कर मजहब की राजनीति करने और विकास के मुद्दों से दूर रहने वाले विरोधियों की आँख की किरकिरी बने। अयोध्या जिले के विख्यात समाज सेवक राजन पांडे ने आज अपने स्वभाव के मुताबिक बहुत ही सरल तरीके से अपनी पत्नी तथा कुछ खास मित्रों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए फैजाबाद के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। और निर्दल हूँ, किसी पार्टी से नहीं, अपने काम के भरोसे हूँ। पिछले 20 सालों में मैंने काम किया है। अगर जनता को ये लगता है मैंने बढ़िया काम किया है तो मेरा साथ दे, अगर उसे लगता है कि नहीं बढ़िया किया है तो मेरा साथ ना दे। मैं अपने काम पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने केवल दो गाड़ियों से अपने जो हमारे प्रस्तावक हैं 10 उन्हीं के साथ आया, एक भी आदमी और नहीं लेके आया हूँ। जिस तरह के आप एक नामी समाज सेवी हैं, क्या लगता है जनता आपका सहयोग पूरा करेगी चुनाव में? मुझे पूरा भरोसा है जनता इस बार इन लोगों को आईना दिखाएगी, मुझे 100% भरोसा है। क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बना के राजनीति नहीं की जा सकती। जब तक उसके बीच में जाके आप काम नहीं करेंगे निश्चित जनता आपको सबक सिखाएगी। 6 तारीख को पता चलेगा कि हम क्या हैं वो लोग क्या हैं। आपकी फाइट किसके साथ है? हमारी फाइट किसी के साथ नहीं है। कोई फाइट में कोई काम किया हो तो फाइट है। मैं 20 सालों में काम किया, ईमानदारी पूर्वक काम किया हूँ और जिस तरह से काम किया हूँ अगर जनता को लगता है कि मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया, उनकी सेवा की है, उनको सेवक चाहिए तो वोट दे, अगर लगता है मैं गड़बड़ हूँ तो कतई वोट मुझे नहीं। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपकी आपका क्या मेन एजेंडा है? मेरा मेन एजेंडा है कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा, गरीबों के लिए काम करूँगा, नौजवान भाइयों के लिए काम करूँगा, अपनी अवध को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा, अपने शिक्षा मित्र भाइयों के लिए काम करूँगा। अभी बहुत बड़ा मुद्दा है पेंशन का, उस अगर हमको मौका मिला तो इसको देश की सबसे बड़ी पंचायत बहुत मजबूती से उठाऊंगा, अपने किसान भाइयों के लिए काम करूंगा। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं कि निधि का एक एक पैसा हमारे गरीबों का होगा, मेरे भाइयों का होगा, इवन तनख्वाह तक का पैसा मैं गरीबों को दूंगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।